दोस्तों तो हम आज जाएंगे घूमने के लिए सुपौल। तो हम अपने गाड़ी को धो रहे हैं, अच्छे से पानी मार दिए हैं, अब शैम्पू लगाना है तो हम शैम्पू भी ले आए हैं। जैसा कि हम निकल रहे हैं अब सुपौल के लिए, मेरा गाड़ी तैयार है। स्प्लेंडर लवर लोग लाइक मारिएगा तराक तराक। ये देख सकते हैं सारथी चढ़ गए हैं रथ पे, सारथी घुमा लो रथ को। हो गया स्टार्ट, धक्का मारो धक्का घुमाओ। अब बैठ जाते हैं और चलते हैं। चलिए तो निकल दिए हैं हम लोग, रवाना हो चुके हैं घर से। चलिए मिलते रहते हैं आगे। हम लोग नौरी से निकल रहे हैं, नौरी चौक है, हम क्रॉस कर गए हम लोग नौरी चौक के। और ये कोहुआ का दुर्गा जी का मंदिर देख सकते हैं, ये हनुमान जी का गांव में एंट्री कर चुके हैं, जो कि गांव से होते हुए हम लोग निकलेंगे सुपौल के लिए। इस गांव में आखिरकार हम लोग बिशनपुर हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग पोज करके क्योंकि बिशनपुर चौक का नज़ारा, बस का है रुपया भैया आगे में। तो हम लोग बिशनपुर चौक से निकल चुके हैं आगे सुपौल के लिए। पेड़ पौधा का नज़ारा कुछ है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत है। और टर्निंग भी है, बहुत खूबसूरत टर्निंग है और खतरनाक ही भी बोल सकते हैं। जो चीज़ खूबसूरत होता है वो खतरनाक भी होता है, क्योंकि असफल के। और ये गाड़ी का मीटर 60 के पार लेके चले जा चुके हैं, स्प्लेंडर गाड़ी को देख सकते हैं। और टर्निंग है, टर्निंग है, टर्निंग है, तो गाड़ी को स्लो कर लेना है, टर्निंग पे गाड़ी को स्लो करके चलना है। हाँ हाँ, और ये भी एक टर्निंग है, बहुत खतरनाक है। टर्निंग पे कृपया सेफ ड्राइव करें, धीरे ड्राइव करें, क्योंकि आगे से गाड़ी आ सकता है तो लड़ सकता है गाड़ी, तो आप लोगों को परेशानी हो सकता है। आप लोगों को भी नहीं, किसी को भी, हम लोगों को भी हो सकता है, तो इसलिए देख के चलाएंगे। चलिए फिर आगे सुपौल मार्केट का नज़ारा देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, थोड़ा पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि भूख लग चुका है गाड़ी को। पेट्रोल भरा चुका है, अब निकलेंगे फिर हम लोग यहाँ से आगे के लिए रवाना। मिठाई का दुकान है, मोबाइल का दुकान है, बहुत सारी दुकान है। बोलते हैं सब बहुत बड़ा बाजार है। और यहाँ पे मंदिर है, मनोकामना मंदिर हनुमान जी का। हाँ हाँ, हम लोग बिरौल पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं। सुपौल सहरसा जाने वाला रोड 17 नंबर रोड यही है। और हम लोग थाना के पास पहुंच चुके हैं, थाना क्रॉस करेंगे हम लोग, बिरौल थाना। थाना है और यहाँ पे ब्लॉक भी है, बिरौल ब्लॉक। तो हम लोग पिपरा क्रॉस कर चुके हैं, सॉरी एंट्री किए हैं, एंट्री लगता नहीं है ज्यादा बड़ा है, छोटा ही लग रहा है, तो वही बोल सकते हैं क्रॉस कर गए। इधर तो काम, थोड़ा आगे चलते हैं फिर वहां पे दिखाते हैं वहां का। सकते हैं दुर्भाग्यवश गाड़ी पंचर हो गया है, तो पंचर बनवाएंगे गाड़ी का, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। पंचर हो गया यार, गाड़ी पंचर हो गया यार, तो पंचर बनवाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं, तो देखते हैं।
पंचर है कैसे पंचर है नहीं है, चलिए देखते हैं। बहुत पंचर हो चुका है, इसके लिए ट्यूब भी बदलना पड़ेगा। अब ये है चक्का खोला जा रहा है, बदला जा रहा है। ये देखिए हवा दे रहे हैं, ये बेचारा सी को हवा भरना पड़ रहा है। 42 फिर से यात्रा पे निकल चुके हैं, गाड़ी का पंचर बनवा के, सॉरी ट्यूब बदलवा के, ट्यूब वही बदलना पड़ा, पूरे ट्यूब नुकसान हो गया। तो अब चल दिए हैं हम लोग, फिर से रवाना हो चुके हैं, और बने रहिए देखते रहिए। और यहाँ का नजारा यहाँ से कुछ देखिए, बाढ़ आने पे पूरी तरह से ये पूरी तरह से भर जाता है, दोनों तरफ देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा खाई है, दोनों तरफ का भर जाता है पूरे। बेर चौक पहुंच चुके हैं, देखिए बेर चौक पे जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं ये हिरनी जाने का रास्ता है। यहाँ पे जाम लगा हुआ है और हम लोग जाम से निकल रहे हैं अब। चलिए जाम से तो निकल चुके हैं, ज्यादा जाम नहीं था, निकल गए। तो हम लोग बेर चौक भी क्रॉस कर चुके हैं, चलिए अब बाबा से मिलते हैं। ये देख सकते हैं पुल, सभी घाट ये सब घाट आने में पूरी तरह से भर जाता है, देख सकते हैं दोनों तरफ घाट आने में पूरी तरह से भर जाता है, पानी ही पानी, पानी ही पानी, जितना घर है सब डूब जाता है, देखिए। और बस हम लोग कुछ ऐसा स्थान पहुंच गए, और यहाँ पे आप लोग बोट देख सकते होंगे, चलिए बाबा के दरबार में भी। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के नगरी में, देख सकते हैं भीड़ लगा हुआ है रास्ते में, तो बने रहिए देखते रहिए। देख सकते हैं इधर दुकान सब, देख सकते हैं दुकान सब लगा हुआ है। सावन में तो और भी काफी ज्यादा मेला लगा रहता है, भीड़ लगा रहता है, दुकान रहता है। इसे दिखाएंगे आप लोगों को, घूमते हैं अंदर, थोड़ी देर बाद बाबा से मिल के आते हैं, फिर घूमेंगे, पहले गाड़ी पार्क करते हैं कहीं पे। तो पहुंच चुके हैं हम लोग कुशेश्वर स्थान, जैसा कि देख सकते हैं कि नए नए गाड़ी का पूजा होकर निकला हुआ है बाबा के स्थान से, देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा जी के नगरी में। और आ चुके हैं बाबा जी के नगरी में, मिलते हैं पूजा करने के बाद। और ये देखिए कुआं के पास आ चुके हैं जल लेने के लिए, बहुत ही गहरा है कुआं, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, बने रहिए और देखते रहिए, हम पूजा करने के बाद मिलते हैं आप। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, नंदी से मिलिए, हाँ
आदमी बाबा जी हैं, उनसे मिलिए। और ये देखिए मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, घर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। का भ्रमण करवाते हैं, देखिए पात्र घंटी। ये हैं यहाँ के पंडा जी, पंडा जी से मिलिए। ये यहाँ हम लोग खड़े हैं बाबा जी के दर्शन के लिए, पूजे के लिए बाहर में। देखते हैं कब तक खुलता है द्वार, कब तक वेट कर रहे हैं बाबा के लिए, तो देखते रहिए। से कपाल पर मोहर मरवाने के लिए आइए, मोहर मरवाते हैं। इस टकलू को मोहर लग रहा है, देखिए। टकले हैं, चंदन लगा लिए हैं, देख सकते हैं। और पंडा जी थे पीछे में, बाबा का इंतजार द्वार खुलने का। खुलने दीजिए, 2 बजे खुलेगा, ठीक है ठीक है, तब तक वेट करते हैं। दरबार दिखाते हैं अच्छे से, देख सकते हैं मैया पार्वती का मंदिर। हाँ हाँ
देख सकते हैं मंदिर पे कितना सारा कबूतर है, कितने अच्छे से बैठे हैं। यहाँ पे देखिए इधर दान पात्र मंदिर, तो हम लोगों का वीडियो शूट हो चुका है नजारा। लोग चलते हैं बाहर, पूजा हो गया बाबा का, देखिए पहुंचता नहीं है ये गधा। ये देख सकते हैं मार्केट, यहाँ मिठाई दुकान ठीक है, देख सकते हैं बाबा जी के मंदिर के जस्ट आगे एक हॉस्पिटल है। मेरा हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एम्बुलेंस लगा हुआ है, देख सकते हैं देखिए हॉस्पिटल है। चलिए हम लोग रिटर्न हो जाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसे रोक देते हैं। आगे का नजारा दिखाएंगे, आगे आधे का मार्केट उधर है और आधा मार्केट उधर दिखाते हैं। चलिए देख सकते हैं काफ़ी लंबा मार्केट है, जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आगे बीच वाले वीडियो दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखते रहिए ब्लॉग, ऐसा कि देख सकते हैं हम लोग इस तरफ आ चुके हैं आप, चलिए रो गया बाइक लाने के लिए आ रहा है, तो मैंने प्रसाद ले लिया हूँ पेड़ा, देख सकते हैं थाली में। तो हम लोग जा रहे हैं रिटर्निंग, देख सकते हैं दुकान है, दोनों तरफ दुकान ही दुकान है। सावन में और बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है, बहुत दुकान रहते हैं, कचौड़ी पकौड़ी घर पे, तो चलते हैं बाय बाय। वीडियो खत्म हो गया दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट करे, सपोर्ट करे। बाय बाय दोस्तों।